हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निजी शिक्षण संस्थान संघ ने राज्य सरकार को चेताया, प्रदेश भर में आंदोलन की दी चेतावनी। कोरोना संकट ने प्रदेश समेत देश भर में प्रत्येक क्षेत्र को काफी प्रभावित किया है। हालात ये है कि दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही महंगाई और आर्थिक कमजोरी आम जन पर भारी पड़ रही है। ऐसे ही स्थिति से गुजर रहे बाड़मेर के निजी शिक्षण संस्थानों ने यह प्रेस वार्ता कर अपनी पीड़ा सुनाई। निजी शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष बाल सिंह राठौड़ ने बताया कि कोरोना काल से शुरुआती दौर से लेकर अब तक करीब 8 महीने गुजर चुके हैं। सभी प्रकार के प्रतिष्ठान, मंदिर, पार्क, शॉपिंग मॉल समेत शराब के ठेके तक खोले जा चुके हैं, लेकिन सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाएं अभी भी बंद हैं, जो मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और शिक्षण पैसे से जुड़े लाखों लोगों के साथ कुटाराघात है। निजी शिक्षण संस्था संगठन बाड़मेर के जिला अध्यक्ष बाल सिंह राठौड़ ने बताया कि कोचिंग, सरकारी एवं निजी स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों में मानसिक तनाव की स्थितियां भी पैदा हो रही हैं। ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए और मेडिकल एडवाइजरी की पालना के साथ सरकारी एवं गैर सरकारी निजी संस्थाओं को खोले जाने की अनुमति देनी चाहिए, ताकि आर्थिक संकट से जूझ रहे निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षकों, संस्थान संचालकों, बाल वाहिनी संचालनकर्ताओं, सफाई कर्मियों के साथ प्रत्येक वर्ग को राहत मिल सके। निजी शिक्षण संस्थान बाड़मेर के जिला अध्यक्ष बाल सिंह राठौड़ ने बताया कि 8 नवंबर को निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं द्वारा आगामी राजनीति तय की जाएगी। राठौड़ ने कहा कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य निजी शिक्षण संस्थाओं की वाजिब मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। वहीं सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं की मांगों पर अमल नहीं करती है, तो इस सम्मेलन के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा आगामी विरोध प्रदर्शन की रणनीति तय की जाएगी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाल सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान संगठन बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। शिक्षण संस्थान संघ बाड़मेर की ओर से आज प्रेस वार्ता में जो मुख्य मांगे हमारी है, सबसे पहली मांग है 8 माह से बंद पड़ी निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाए। निजी विद्यालयों के ऊपर 28 अक्टूबर को राज्य सरकार ने जो तुगलकी आदेश थोपा है, उसको वापस लिया जाए। निजी विद्यालयों को आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। आरटी की बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाए। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।